कंप्लीट द गिवन सीरीज, ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। कोई जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है या एयरफोर्स का, उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीरीज क्वेश्चन होते हैं। अब ये सीरीज 2-3 तरह की होती है, अल्फाबेटिक सीरीज भी होती है और ये नंबर सीरीज होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ये बेसिकली नंबर सीरीज क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कि उसने किया है कि 3, 8, 15, 24 और इसे नेक्स्ट डिजिट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें कि उसने 3 और 8 लिया है, इनके दरमियान उसने डिफरेंस छोड़ा है 4 डिजिट का, उसने डिफरेंस छोड़ा है 3 और 8 के दरमियान। 4 डिजिट कौन से हैं? 4, 5, 6, 7 4 डिजिट ये छोड़े हैं। उसके बाद 8 और 15 के दरमियान उसने 6 डिजिट छोड़े, इट मीन्स के 4, 6, 8 और 10 की सीरीज वो चला रहा है। पहले 3 और 8 के दरमियान उसने 4 डिजिट छोड़े हैं, फिर उसने 8 और 15 के दरमियान 6 डिजिट छोड़े हैं। देखें 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये बने 6 डिजिट। इसी तरह 15 और 24 के दरमियान उसने 8 डिजिट मिस करने हैं, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो ये बने 8 डिजिट। इसी तरह 24 के बाद 10 डिजिट छोड़ेगा 35। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये उसने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया है, एक मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है कि एक बंदे का मैथमेटिकल एक आईक्यू चेक करना होता है, इसका कैलिबर क्या है। जैसे देखें 7+2-1=h। अब उसने क्या किया है कि 7 और 2 9, उसमें से एक माइनस किया, ये बने 8। तो 8 नंबर पे आता है एच ए बी सी अल्फाबेटिक। अगर ए बी सी आपने 7 लाजमी लिख लेनी है और उसमें काउंटिंग करेंगे तो एच 8 नंबर पे आएगा। इसी तरह आप 22 जमा 6 ये बना 28 और 28 में से 5 अगर माइनस करें तो ये बनता है 23। तो 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। इसी तरह 11+6=17, 17 में से 2 माइनस किए तो बना 15। अब आपने ए बी सी में देखना है कि 15 नंबर पे कौन सा आता है। ये देखें मेरे पास ए बी सी ओपन हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसका मतलब है कि ओ आ रहा है 15 नंबर पे। तो हमारा बेस्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इफ 4 × 5, तो इसका जो नॉर्मल जवाब बनता था वो बनता था 20, 5 चौके 20, लेकिन आपने इसका 20 आंसर नहीं लगाना, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा। इसने बेसिकली ये भी एक स्क्वायर की उसने सीरीज ली हुई है, इसको क्विज क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसको 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा बी 16, 25। क्यों? क्योंकि ये 16, 4, 4 का स्क्वायर उसने लिया है, 4, 4, 16 होता है। इसी तरह 5, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 25। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, कंप्लीट द गिवन सीरीज, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें 7, 9, 49, 6, 36, 5 और - अब इसमें देखें कि उसने क्या किया है, 7 का स्क्वायर उसने लिया वो बना 49। इसी तरह उसने 6 का स्क्वायर लिया ये बना 36 और 5 का स्क्वायर, अब आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेना है और ये बनेगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका बेस्ट आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अब ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये एक कोड दिया हुआ है और इसका बुक बनता है इस कोड से। अब वो कहता है कि इस कोड से बताएं क्या बनता है। अभी ये आपको मैं समझाता हूँ, आपने इसको गौर से समझना है और इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये देखें, सबसे पहले ये कोड उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, इससे बनता है बुक। अब वो इस कोड का पूछ रहा है क्या बनता है, अभी इसको समझें। ये देखें ए का, अब आपने देखना है कि ये इससे अगला डिजिट कौन सा लिया है। जैसे ए है, इसका बनता है बी, तो इसका मतलब है कि ए से अगला डिजिट उसने लिया है बी। इसी तरह अब जैसे ये जी, जी है, जी से नेक्स्ट आपने डिजिट लेना है वो बनता है एच। अब एन है, एन से एन के, एन का उसने कोड बनाया ओ, तो एन से उसने अगला डिजिट ओ लिया। इसी तरह आपने जेड से आगे वाला डिजिट लेना है वो होगा ए, तो इसी तरह ए से अगला डिजिट जेड होता है। दोनों जब एंड आ जाता है या स्टार्ट होता है तो उसके नेक्स्ट डिजिट को काउंट किया जाता है। अब पी है, तो पी से उसने अभी पीछे वाला डिजिट ओ ले लिया। इसी तरह अब ओ से आपने पीछे वाला डिजिट लेना है वो है एन, एन के बाद अब आ गया एल,
एल भी उसने एल से पीछे के लिया है, पीछे वाला डिजिट ले लिया, सेम लाइक आपने ई से पीछे वाला डिजिट डी लेना है। तो इसका मतलब है कि ये इस कोड से बनता है हैंड, तो इसका बेस्ट आंसर है डी बी, तो ये इसे बनता है हैंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इज टू ई एंड सी इज टू डैश। अब ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, ये अल्फाबेटिक कोडिंग होती है। कोडिंग डिकोडिंग भी दो तरह की है, एक नंबर कोडिंग होती है, एक अल्फाबेटिक कोडिंग होती है। तो अब ये देखें ए इज इक्वल टू ई और बाकी सी इज इक्वल टू डैश। अब ए के दरमियान उसने कितने डिजिट छोड़े हैं, 3, और इसी तरह अब आपने सी के बाद 3 डिजिट छोड़ने हैं और जो जवाब आएगा वो आपने लिखना है, तो उसके 3 छोड़ने पे जी आता है, तो इसका बेस्ट आंसर है जी। अब वो कहता है इफ़ ए इज सिमिलर देन बी बट टॉलर देन सी एंड डी हु इज़ द टॉलेस्ट इन देयर। अब यहाँ पे पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि ए छोटा है बी से बट टॉलर देन सी एंड डी। अब क्योंकि बी सबसे बड़ा है, बी से ए छोटा है और सी और डी इससे बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा बी हुआ, तो ये इसका आंसर है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ए सी ई इज कोडेड एज डैश। अब ये अल्फाबेटिक और नंबर कोड दोनों को उसने मिक्सअप कर दिया है। अब ये किस तरह हल होगा, बहुत आसान है। अब ये देखें एफ आता है 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है और ई आता है 5 नंबर पे। सेम लाइक आपने यहाँ पे लिखना है, ए आता है 1 नंबर पे, सी आया 3 नंबर पे और ई आया 5 नंबर पे। इसका मतलब है कि इसका बेस्ट आंसर है सी 135। जस्ट आपने काउंटिंग करनी है इसकी। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि एफ ई टी डैश और टी ए आर इज टू डैश। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन इसने सिर्फ इसको उल्टा किया है। देखें एफ ई टी पहले उसने सीधा लिखा है, फिर उसने टी ई एफ उल्टा लिख दिया है, तो इसी तरह टी ए आर और आर ए टी आपने लिख देना है। सिंपल, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको मैं वैसे ही रेड कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। इफ बर्श बर्श इज टू पेंटिंग एज ए पेंसिल इज डैश। अब जैसे अब यहाँ पे समझें कि जैसे बुर्श पेंटिंग बनाता है, पेंसिल से स्केच भी बनाया जा सकता है, मैप भी होता है, ड्राइंग होता है, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट वर्ड आपने चूज करना होता है कौन सा है। अब जैसे बर्श का मतलब पेंटिंग है, तो सेम लाइक पेंसिल से नोटबुक लिखी जाती है, तो ये इसका बेस्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। मदर में अल्फाबेटिक कौन सा वर्ड आता है जो शुरू में बड़ा लिखा जाता है। अब ये है एम, सिंपल सा बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि प्लेटफार्म भी रेलवे स्टेशन को कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हैज क्या चीज़ होती है वहाँ पे रखता है, स्टेशन ऑलरेडी स्टेशन है, उसके बाद ट्रेन भी वहाँ पे होगी, तो बेसिकली इसका जो बेस्ट आंसर है रेलवे लाइंस होती हैं, जो मेन उसका पॉइंट होता है वो ये है कि रेलवे लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखे। मैन इज टू वोमैन एज बॉय इज टू, सिंपल सा है, गर्ल है। अब कार हैव मिरर बी कॉज डैश, तो कार के जो शीशे हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, ये सिंपल सा, कार में लड़कियों को देखा जाता है, मुख्तलिफ साइड्स देखी जाती है, टू सी द कार बिहाइंड द आगे देखा जाता है, ऐसा नहीं होता, ये पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखा जाता है, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। एकड़ इज टू कनाल एज स्क्वायर इज टू डैश, मतलब जैसे एकड़ कनाल्स में होते हैं तो स्क्वायर किस में हो गए, मरला में हो। द अपोजिट ऑफ नेवर इज, नेवर नहीं को कहते हैं, तो इसका ऑल अपोजिट ऑलवेज होगा, हमेशा, कभी भी नहीं होगा नेवर और हमेशा होगा, इसको ऑलवेज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव प्लांट ट्री। अब जैसे प्लांट है तो दरख्त बनते हैं इसे, और गर्ल है तो इससे क्या बनेगा, गर्ल से बनेगा वो मैन, मदर वाइफ ये सारे बनते हैं, लेकिन जैसे उसका मेन जो की पॉइंट है उसको टारगेट करना होता है, जैसे प्लांट ट्री है, गर्ल वो मैन है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें उसने रेस्ट को सिर्फ फाइंड आउट किया है कि क्या डिफरेंस है। अब ये देखें, अब दोबारा ए बी सी की आपको जरूरत पड़ेगी,
एल ओ के दरमियान एम एन ओ दो का डिफरेंस है, एच के दरमियान दो का डिफरेंस है, आई और जे छोड़ा हुआ है, ए सी के दरमियान उसने सिर्फ एक डिजिट छोड़ा है, और डी और जी के दरमियान भी दो डिजिट है। इसका मतलब कि सब जगहों पे दो दो थे, सिर्फ ए और सी के दरमियान एक था। इसका मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, रेस्ट डिफरेंट, रेस्ट का मतलब है कि वो थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज डिफरेंट है। इस वजह से इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, मतलब कि आज से पहले क्या था, मंडे था, अब मतलब कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद कल जो होगा उसके बाद क्या आएगा, कल वेनसडे बनेगा, वेनसडे के बाद आएगा थर्सडे, तो इसका बेस्ट आंसर है थर्सडे। अब ये देखें, ये पर्सनल रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, काउंटिंग पर्सनल रैंकिंग की तरह ही है, लेकिन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इन अ क्लास 60 मेल है, 35 फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स 80% क्लास फेल है, इन केमिस्ट्री 80% क्लास फेल है केमिस्ट्री में, 30% इंग्लिश में, तो कौन सा बेस्ट आंसर है। अब वो कहता है कि सिर्फ फीमेल फेल हुई हैं या मेल, कोई भी मेल फेल नहीं हुआ, सिर्फ मेल फेल हुए हैं, तो दोनों फेल हुए हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये दोनों, क्योंकि 80% तो केमिस्ट्री में लड़कियां लड़के फेल हुए हैं और 30% इंग्लिश में, इसका मतलब कि दोनों फेल हुए हैं। अब देखें कि वो कहता है समी वॉज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड वॉज बी इन 1965। अब अगर 21 साल का था 45 में, तो 65 में कितना हो गया, टोटल 20 साल 21 ईयर के अंदर एड ऑन कर देने हैं, तो ये बनेगा 2041। अब ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के भी मिलेंगे। यसर एंड सफदर इज स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ साइड एंड मूविंग टुवर्ड नॉर्थ 5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को छोटा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैंने एक उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाली एक डायरेक्शन बना ली है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ से उसने सफ़र शुरू किया है कहाँ पे, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कितने किलोमीटर गया, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया। ये थोड़ी सी मैं टेडियस भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइन किस तरफ जा रही है। यहाँ से चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद वहाँ से वो कहते हैं कि राइट मोड़ गया 5 मील। सेम लाइक यहाँ से दोबारा वो कितना मिला, 5 मील ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से फिर वो कहते हैं कि दे टर्न राइट एंड मूव 10 माइल, और यहाँ से उसने राइट मुड़ा है, कहाँ मुड़ा है, राइट, ये देखें, और 10 किलोमीटर, 5 तो यहाँ तक उसने पहले सफर किया, तो 5 अभी आपने आगे उसको भेज देना है, तो यहाँ तक वो पहुँचा है, इसने 10 किया, यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे किया 10 माइल। तो अब वो कहता है कि नाउ दे आर स्टैंडिंग एट विच डायरेक्शन, अब बताएं कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये साउथ की तरफ इस वक्त उसका फेस है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, सी। अब यहाँ पे वो 3 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 1 के टोटल डिस्टेंस काउंट करें, आपने सिंपल इसको काउंट कर लेना है। यहाँ वो ये पूछेगा कि घर के पॉइंट से वो कितना दूर खड़ा है, तो सिंपल आपने ये 5 और 5 इसको 10 किलोमीटर कह देना है। तो इस तरह या वो क्लॉक वाइज पूछ सकता है, या एंटी क्लॉक वाइज या एंगल वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्शन सेंस का। तो ये इसका इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अब वो कहता है कि दे आर, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, दे आर गोइंग टू डैश अ क्रिकेट मैच, ये बेसिकली उसने इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, और इसका जो बेस्ट आंसर है वो सी आपने लगाना है। क्यों सी लगाना है, क्योंकि ing है और ये कंटिन्यू का जुमला बनेगा और इसके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका बनेगा सी। तो ये 25 क्वेश्चन थे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी 25 क्वेश्चन इंशाल्लाह मिलेंगे। तभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा इसी चैनल पे आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की पूरी बुक मिल जाएगी, मैंने स्कैन करके अपलोड कर दी है, एक वीडियो इसमें पड़ी है, वो आपको एंड पे भी मिल जाएगी और उसे आप वहाँ से परसू कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से, उनको भी आप परसू कर सकते हो।